हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल अगेन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको गुणा के इबारती सवालों को हल करना सिखाएंगे कि किसी सवाल में गुणा का प्रोसेस हमें कब और कैसे अप्लाई करना है। तो बच्चों, सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस भी आप आसानी से देख सकें। तो बच्चों, आइए जानते हैं गुणा के इबारती सवालों को हम कैसे हल करेंगे। आज की इस वीडियो में है दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जिनका नाम है तनु और राहुल। राहुल तनु के साथ खेलने उसके घर जाता है, मगर वो देखता है कि तनु बहुत परेशान है। वो तनु के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तनु, इतनी परेशान क्यों हो? तनु कहती है, मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है। राहुल कहता है, कैसा सवाल है मुझे भी बताओ। गणित का सवाल है। क्या है सवाल मुझे बताओ तो। अच्छा ठीक है, बताती हूँ, सुनो। सवाल है, एक पेंसिल का मूल्य 6 रुपए है, तो ऐसी ही 18 पेंसिल कितने रुपए की मिलेंगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इसमें गुणा करूं या भाग करूं? मुझे इसे हल करना है, तभी मैं खेलने जाऊंगी। अरे, इस सवाल का हल तो मुझे भी नहीं पता है तनु, लेकिन मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। चलो हम लोग चलते हैं श्रुति दीदी के पास, वो हमारे इस सवाल को जरूर हल करेंगी। चलो हम दोनों चलते हैं। ओके, चलो राहुल। दोनों बच्चे श्रुति दीदी के पास जाते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसी हो? हम सब ठीक है दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ यहाँ हमारे पास, बताओ? राहुल कहता है, दीदी तनु को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम दोनों आपके पास आए हैं, आप हमारा वो सवाल हल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बताओ क्या है तुम्हारा सवाल? पहले मैं तुम्हारा सवाल तो सुनूं। बताइए मुझे क्या है तुम्हारा सवाल? दोनों बच्चे अपना सवाल बताते हैं। दीदी सवाल है कि एक पेंसिल का मूल्य 6 रुपए है, तो ऐसी ही 18 पेंसिल कितने रुपए की मिलेंगी? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सवाल को हम कैसे हल करें, आप बताइए हमको। अच्छा, तो ये है तुम्हारा सवाल। ठीक है, मैं इस सवाल को तुम्हें हल करना बताऊंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी सवाल को आसानी से कैसे हल करेंगे। आओ मैं तुमको समझाती हूँ। पहले मैं सवाल को बोर्ड पे लिखूंगी और तनु इसे पढ़ेगी। ठीक है दीदी, मैं पढ़ती हूँ। एक पेंसिल का मूल्य 6 रुपए है, तो ऐसी ही 18 पेंसिल कितने रुपए की मिलेंगी? वेरी गुड तनु। तो बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको गुणा की अवधारणा समझाऊंगी, क्योंकि इस सवाल में हमें गुणा का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास पहले पेंसिल थी एक, और एक पेंसिल कितने रुपए की मिली? 6 रुपए की, यानी एक पेंसिल का मूल 6 रुपए। अब पेंसिल है 18, अब कुल पेंसिल तनु कितनी हो गई? दीदी 18। वेरी गुड, अब पेंसिल हो गई हमारे पास 18, यानी अब पेंसिल 1 से 18 गुना हो गई। बच्चों, पहले एक पेंसिल थी, अब पेंसिल 18 गुना हो गई, अर्थात पहले से पेंसिल हमारे पास 18 गुना हुई। तो बच्चों, जाहिर सी बात है कि इसके दाम भी 18 गुना हो गए होंगे, और गुना का मतलब होता है गुणा, अर्थात
जब वस्तुएं अपने आप से कई गुना हो रही होती हैं, तब हम वहां पर गुणा का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा की संक्रिया करते हैं। आई बात समझ में? यहां पर पेंसिल 18 गुना हो रही हैं, यानी पहले पेंसिल थी हमारे पास एक, उसका मूल्य था 6 रुपये, अब पेंसिल हो गई 18। तो बच्चों अब मूल्य भी हो गया 18 गुना। आई बात समझ में? मूल्य कितना हो जाएगा? तनु बोलो, 18 गुना। दीदी वेरी गुड। और गुना का मतलब गुणा, जहाँ पर चीज़ें कई गुना हो रही होंगी वहाँ हम गुणा का प्रोसेस करेंगे। एक पेंसिल का मूल्य 6 रुपये, तो 18 पेंसिल का मूल्य 6 × 18, और 6 को जब 18 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 108। आप इसको ऊपर नीचे रख के गुणा कर सकते हैं, अर्थात बच्चों हमारी 18 पेंसिल कितने की मिलेंगी? 108 रुपये के मिलेंगी। तो बच्चों जब वस्तुएं कई गुना हो रही हों तब हम गुणा का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो तनु राहुल, कुछ आप दोनों को समझ में आया जो मैंने इस सवाल के माध्यम से आपको समझाया? हाँ दीदी, जब वस्तुएं कई गुना हो रही हो तब हमें गुणा का प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। मुझको तो समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक कहा तनु तुमने, मुझे भी समझ में आ गया। वेरी गुड। तुम दोनों को अब मैं एक सवाल और दे रही हूँ जिसे तुम दोनों हल करके बताओगे, और बच्चों आप लोग भी इस सवाल को अपनी कॉपी पे हल करेंगे और उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। तनु, राहुल और आप सब इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके दीदी, हम सब मिलकर इस सवाल को अभी हल करते हैं। तो सवाल है बच्चों कि एक चॉकलेट का मूल्य 12 रुपये है, तो ऐसी ही 15 चॉकलेट कितने रुपए की मिलेंगी? बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़िए, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए। ठीक है दीदी, हम दोनों मिलके सवाल को हल करते हैं, और बच्चों फ्रेंड्स आप लोग भी सवाल को हल करिए। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको गुणा के इबारती सवालों को आसानी से कैसे हल करेंगे यह बताया। तो बच्चों इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और अपनी कॉपी पर इन सवालों को हल करना सीखिए, और सवालों को हल करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। और अधिक सवालों के लिए आप हमारा ये चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।